A very sweet good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. Students, last class में हमने density का formula देखा था. आज हमें उसके ऊपर numerical practice करनी है, ठीक है? अब density का formula तो सभी को याद हो गई. Density मैंने क्या बताया था? याद रखना jump, ना. Formula था jump and ना. And ये Avogadro number था और a cube, ठीक है? Z यहाँ क्या था? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी यूनिट सेल में कितने हैं? और ये क्या था? मास था. एन ए क्या था? एवोगैड्रो नंबर था. और ये क्या था? वॉल्यूम, मींस ए क्यूब किया. और ये जो ए है, जो एज लेंथ है, सेल की जो लेंथ है वो किसमें होनी चाहिए? इन सेंटीमीटर. ये चीज और याद रखना, ठीक है? तो अब हम अपने फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है? इसकी यूनिट क्या आएगी? देखो, इसके कोई यूनिट थी नहीं. मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम. अगर मैं यूनिट की बात करूं तो क्या आएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब देखो आपको भी क्या गिवन है. एफसीसी गिवन है और एटॉमिक मास गिवन है और आपको सेल एज दी हुई है. सेल एज का मतलब ए. मींस देखो, सबसे पहले एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 4. चार पार्टिकल प्रेजेंट हो गए कॉर्नर प्लस में फेस सेंटर. कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 और टोटल कॉर्नर 8 तो 1 आया. और फेस 6 से 6 का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ. टोटल 6 थे, हाफ इंटू 6 3 आया. 1 + 3 कितना हुआ? 4. तो एफ सी सी के लिए जेड की वैल्यू 4. अगर यहाँ बीसीसी होता तो कितना होता? 2. ठीक है, तो जेड की वैल्यू हो गई 4. मास कितना गिवन है आपको? 60. और एज लेंथ ए कितनी गिवन है आपको? 400 पिकोमीटर. अब देखो भाई, क्वेश्चन में क्या देखना है आपको? सेंटीमीटर में करना है. तो सबसे पहले आप पिकोमीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में, ठीक है? अब सेंटीमीटर में कैसे करेंगे? आपको ये पता है, 1 पिकोमीटर में 10^-12 मीटर होते हैं, ठीक है? अब मीटर का पता लग गया तो सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. भाई इसका मतलब ये 10^12 मीटर है. इसको मैं सेंटीमीटर में करूं, क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय 100. तो कितना बचा? 10^-10 सेंटीमीटर. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 400 इंटू 10^-10 सेंटीमीटर. इतनी बात समझ में? बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज पुट करनी है. Z की वैल्यू 460 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 लगाना चाहो लगा दो, तो इंटू 10^23 इंटू में कितना है? 400 इंटू 10^-10 का क्यूब. अब बस आपको क्या करना है? कैलकुलेशन सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो सिंप्लीफाई आप इन सबको सॉल्व कर लेना, ठीक है? और जब आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन काम आपका है प्लस माइनस, तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है. अब प्लस माइनस डिवाइड तो आप कर ही सकते हो. सिंपली ये पावर को ऊपर लेके जाओ और मल्टीप्लाई डिवाइड है, ठीक है? जब आप सॉल्व करोगे तो डेंसिटी की जो वैल्यू है वो आएगी 6.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यू हैव टू चेक दिस आंसर वेदर इट इज रॉन्ग और करेक्ट. मेबी रॉन्ग हो सकता है, बट आप एक बार सॉल्व करके देखना, ठीक है? कहीं पता लगे मैं कैलकुलेशन गलत कर रही हूँ, ठीक है? तब तक आप ये क्वेश्चन नोट करो, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजियम क्लोराइड आपको गिवन है, सिंपली लिखा है क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो हम इससे क्या समझेंगे कि एससीसी है, ठीक है? हैविंग डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी, ठीक है? डेंसिटी कितना है? 3.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आपको क्या फाइंड आउट करनी है? आपको एज लेंथ फाइंड आउट करनी है, ए फाइंड आउट करना है. लेकिन किसमें? पिकोमीटर में. जब आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो देखो सेंटीमीटर में आएगा, बट उसने क्वेश्चन में मेंशन किया पिकोमीटर. और जनरली जो एज लेंथ है इनकी हम रिपोर्ट जो आंसर वो पिकोमीटर में करते हैं, ठीक है? और आपको मासेस गिवन है, ठीक है? तो भाई सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो. डेंसिटी क्या था? जानना एन ए इंटू में ए क्यूब, ठीक है? अब मैं डेंसिटी लिखूं तो 3.99 इज इक्वल टू,
इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू वन होती है। मास अगर सीजियम क्लोराइड है, एक सीजियम है एक क्लोराइड है, अगर यहाँ पे ट्वाइस लिखा होगा या सी टू सी एल टू कुछ ऐसा फॉर्मूला होता तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देखो टू टू से, तो इनका सबसे पहले आप मास कैलकुलेट करो, मास टोटल कितना हो जाएगा 133 प्लस में 35.5, तो कितना आ गया ये 5861, तो 168.5। एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में ए क्यूब, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ए क्यूब क्या आएगा आपका 168.5 अपॉन में 6.023 इंटू में 3.99, ठीक है। सॉल्व करना आपको आंसर लेकर आना है पीकोमीटर में, यहां से ए क्यूब अंडर रूट करोगे सेंटीमीटर में, फिर क्या करोगे इसको पीकोमीटर में, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा, अब कैलकुलेशन आप ही को करनी है, ठीक है। एग्जाम में कोई हेल्प नहीं करेगा कैलकुलेशन पे, यहाँ पे मेरा काम आपको पैटर्न समझाना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 412 पीकोमीटर, ठीक है। एक बार आप चेक करना क्योंकि ये कैलकुलेशन भी मैंने सॉल्व खुद ही की है, तो मे बी कहीं एरर ना हो गया, तो आपको भी क्रॉस चेक करना है दिस इज करेक्ट वन, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल हमारा, नेक्स्ट बेस्ड ऑन डेंसिटी। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ वॉइड। कल हमने एक वॉइड के बारे में एक नया नाम सुना था, वॉइड क्या होता है, खाली जगह जो वैकेंट स्पेस रह जाता है उसको हम वॉइड बोलते हैं। और हमने दो टाइप के वॉइड स्टडी करे थे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहले हम साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिस्कस करते हैं, मीन्स एक ऐसी खाली जगह है जो खाली जगह कितने से सराउंडेड होगी, सिक्स से, शॉर्ट में ऑक्टाहेड्रल को OH लिखते हैं, ठीक है। अब देखो भाई ये चार एटम है, एटम क्या मतलब लैटिस पॉइंट है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। जब आप चार मोल को टच करोगे मीन्स आपस में ऐसे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कोई खाली जगह। अब आप एग्जैक्टली मेजर कैसे करोगे, अब देखो आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो हमें चार ही नजर आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए तो क्या होता है सिक्स सराउंडेड होने चाहिए। तो देखो अब आप एक और बोल लो, एक इस खाली जगह को ऊपर से कवर कर दो और एक बोल और लो उसको इसके बैक साइड से कवर कर दो। तो देखो फोर तो ये हो गए, एक इसके पीछे की तरफ से और एक इसके आगे की तरफ से, तो कितने से सराउंडेड हो गया ये खाली जगह, सिक्स से सराउंडेड हो गया, ठीक है। अभी ऐसे ये जो मैंने डॉट डॉट लगाया है, एक ऐसा ही लैटिस पॉइंट आगे से आ गया, एक ऐसा ही पीछे से आ गया, ठीक है। तो ये जो बीच में खाली जगह बची ये आपका क्या है, वॉइड है। और ये जो मैंने कॉर्नर पे बनाए हैं ये क्या आपके लैटिस पॉइंट। अब लेट अस कंसीडर जो स्मॉल आर है वो रेडियस है आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मींस यहां से यहां तक ये क्या है स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर है आपके लैटिस पॉइंट की, ये रेडियस यहां से यहां कितनी है आर। इतनी बातें समझ में आई। ऐसे ही मैंने इधर एक ट्राइंगल बनाया लाइक दिस, ठीक है। ये भी क्या हुई आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर होगी लैटिस पॉइंट की, और ये भी क्या होगी कैपिटल आर। इतनी बातें समझ में आई। अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दे दू ए बी एंड सी, तो यहां पे क्या है राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ये, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो देखो ए बी डिस्टेंस किसके बराबर है, पहले तो हम मेजरमेंट लिख लेते कितने कितनी है। ए बी किसके बराबर है स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर, सिमिलरली ए सी कितनी है स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर, और बी सी कितनी है ट्वाइस ऑफ आर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज आपका ये है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर
प्लस में एसी का स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई। बीसी की वैल्यू पुट करो कितना आया, 2r का स्क्वायर, ठीक है। एबी का स्क्वायर क्या है, आर प्लस आर का स्क्वायर, और ये भी क्या है, आर प्लस आर का स्क्वायर। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम में ये क्या बन गया, देखो ये 4r स्क्वायर, ये क्या हो गया, मैं इसको क्या लिख दूं, ट्वाइस ओ आर प्लस आर का स्क्वायर। अगर मैं 2 से 2 कैंसिल आउट करूंगी तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर का स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन मैं इधर लिख रही हूं, ठीक है। अब देखो दिमाग में क्या आएगा, हम लोग यहाँ पे अपनी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बट वो हमें अप्लाई नहीं करना है। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा और टिपिकल होगा, ठीक है। हमें तो आर और आर का रेशियो निकालना है, साइज निकालना है, तो स्क्वायर को सोल्व करने का तरीका क्या, देखो ये जो 2r का स्क्वायर है मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई अंडर रूट आर का होल स्क्वायर, भाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बचेगा, और r का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर बन गया, सिंपल सी बात है। ये इधर पे क्या है आपका, r प्लस आर का स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर है तो आप क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लोगे, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, अंडर रूट टू आर इज इक्वल टू आर प्लस आर। स्मॉल आर को एक तरफ रखो, इसको इधर ले आओ, आर ये इधर क्या है, अंडर रूट टू आर माइनस आर होगा। अब आपको पता है अंडर रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.2, कितनी होती है अंडर रूट टू की, 1.414, ठीक है। ये तो सभी को आता होगा, 1.414 आर माइनस 1 आर। तो देखो सोचने वाली बात है, जब 1.414 में से माइनस 1 करे तो क्या बचेगा, 0.414, तो क्या आएगा, 0.414 आर। तो हमारा ये आ गया कि भाई जो ओक्टाहेड्रल, जो स्मॉल आर है वो क्या होगा, हमारे लैटिस पॉइंट के 0.414 मल्टीप्लाई पे होगा। समझ में आया। अब एक बार दोबारा से देखते हैं, भाई हमें साइज कैलकुलेट करना था ओक्टाहेड्रल वर्ल्ड का, तो हम एक ऐसी जगह देखनी थी जो 6 से सराउंडेड हो। डायग्राम में आपको 6 नजर आ रहे हैं, बट आप जब ऊपर लिखोगे तो लिखोगे भाई ये लैटिस पॉइंट है, और एक आपने टॉप पे लगाया और एक आपने बॉटम पे। अगर मैं इसको टॉप से कवर कर दूं तो आपको खाली जगह नजर ही नहीं आएगी, तो कैसे कैलकुलेशन करोगे। तो अज्यूम कि एक इसके टॉप पे है और एक इसके बिलो से आया, तो इस जगह 6 से सराउंडेड हो गई, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड बन गया। आपने स्मॉल आर रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड, और आर क्या है लैटिस पॉइंट, और आपने राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और आपने सॉल्व किया, तो हमारा ये रिलेशन आया फॉर ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट जो साइज अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ल्ड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वर्ल्ड क्या होगा, जो 4 लैटिस पॉइंट से कनेक्टेड होगा। कल हमने टेट्राहेड्रल वर्ल्ड को ऐसे देखा था, भाई ये 3 है, 3 से तो ये सराउंडेड हो गया, और इसके ऊपर मैं अगर एक और लैटिस पॉइंट रखूं तो ये जो खाली जगह कितने से सराउंडेड हो गई, 4 से सराउंडेड हो गई, ठीक है भाई। एक लैटिस पॉइंट आपका ये आ गया ऊपर से, तो ये जो वर्ल्ड बना ये कौन सा बना, टेट्राहेड्रल वर्ल्ड बना। अब देखो इसको हम अपने क्यूब में कंपेयर करते हैं, और आप लोग अपने रूम में देखना, आपके रूम में कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, सॉरी 8 कॉर्नर्स हैं। आप क्या करो, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट अज्यूम करो। मैंने भाई इस कॉर्नर को पकड़ा अपने रूम को, आप इधर वाला टॉप पकड़ो और इस टॉप वाले कॉर्नर से अज्यूम करो इसके सामने वाले 3,
सामने वाले तीन एक छोड़ के एक मैंने लगा दिया, ठीक है। तो भैया चेक करना चाहो, देखो एक लैटिस पॉइंट फिर छोड़ दिया, फिर एक लैटिस पॉइंट फिर छोड़ दिया, फिर एक लैटिस पॉइंट फिर छोड़ दिया, फिर यहाँ पे छोड़ दिया तो एक लैटिस पॉइंट यहाँ आएगा। तो अल्टरनेट कॉर्नर पे आपके क्या है, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। जब मैं इन चारों को पास में लिख के आऊं, देखो एक्चुअल में ये डिस्टेंस नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए दूर दूर बना रही हूँ। ये आपस में क्या कर रहे हैं, टच ही होंगे। जैसे ऊपर वाला फेस कंसिडर करूं तो एक्चुअल में वो ऐसे टच करके रखते हैं, ये जब पास आएंगे तो चार आके एकदम क्यूब के सेंटर में आएंगे, अब एक स्पेस क्रिएट करेंगे। ये जो मैंने पिंक कलर से दिखाया ये आपका क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा बॉडी सेंटर पे। जब आपके क्यूब अल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे तो बॉडी सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ट्राइंगल में ए बी सी कंसिडर कर रही हूं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी आपका क्या है, फेस डायगनल है, ए बी इज द फेस डायगनल। और वो किसके बराबर है आपका, आपने अभी कैलकुलेट किया था अंडर रूट टू ए होता है फेस डायगनल, किसके बराबर होता है, अंडर रूट टू ए। और अगर मैं अज्यूम करूं तो भाई ये कॉर्नर्स आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, बनाया दूर दूर है बट एक्चुअल में क्या है, कोई बीच में तो है नहीं, टच कर रहे हैं। ये लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट की डिस्टेंस भाई आर है। भाई यहां पर भी आर क्या है, साइज ऑफ स्मॉल आर क्या है, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और कैपिटल आर आपका क्या है, साइज ऑफ लैटिस पॉइंट। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, आपके फेस डायगनल ही किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ आर। और हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक बार ए के साथ कैलकुलेट किया था, वो क्या आया था, अंडर रूट टू ए, ठीक है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर वन। अब कंसिडर करो आप अपना ए बी बी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी एंड बी। अब जो ए बी है अगर उसको आप कैलकुलेट करना चाहो, ए डी क्या है, ए डी क्या है, बॉडी डायगनल है, बॉडी डायगनल। अब बॉडी डायगनल की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की थी, अंडर रूट थ्री है, ठीक है। और अब आप आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर में देखो कैलकुलेट करना चाहो तो एक लैटिस पॉइंट इधर आइए, तो लैटिस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल आर, ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ वॉइड है जो स्मॉल आर है। तो देखो भाई इसकी कैपिटल आर मैं यहां पे बना रही हूं, ये आपका लैटिस पॉइंट, ठीक है। बीच में कौन आएगा, अगर ये टच करेंगे भाई, टच तो करेगा, वॉइड है। और फिर अगर यहां पे आपने लैटिस पॉइंट कंसिडर नहीं किया बट होगा तो वो भी आएगा, तो आपकी ये डिस्टेंस कितनी हुई, आर, ये स्मॉल आर, फिर से स्मॉल आर, और ये वाली कैपिटल आर, ये डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, एडी के। तो एडी जो बॉडी डायगनल है उसकी एक और वैल्यू आती है कितनी, दो कैपिटल आर और दो क्या है आपके, प्लस आर। तो टू कॉमन ले लो, ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर, और बॉडी डायगनल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट थ्री ए। आई होप इतनी बात समझ में आई, आपने क्वेश्चन सोल्व किया फेस डायगनल को कंसिडर करके और बॉडी डायगनल को कंसिडर करके, आपने दो इक्वेशन निकाली और इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा डिवाइड, इक्वेशन टू बाय वन, टू बाय वन करोगे तो ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर अपॉन में ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए अपॉन में अंडर रूट थ्री ए, ए से ए कैंसिल, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऊपर का मैं रब कर रही हूं तो आपका क्या बचा, आर प्लस आर अपॉन में आर अंडर रूट टू बाई अंडर रूट थ्री, ठीक है। अब भाई सॉल्व करो, यहां पे क्या बचेगा, आर बाई आर प्लस में वन, इसको मैं एज इट इज लिख सकती हूं, और इधर आपका अंडर रूट टू
बाय अंडर रूट थ्री। ये प्लस वन अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस वन। ठीक है, अब माइनस वन बन गया तो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे स्टूडेंट एक मिस्टेक हो गई, टू आर यहां पे अंडर रूट थ्री आएगा ऊपर और यहां क्या आएगा अंडर रूट टू, छोटी सी एरर है, थ्री टू थ्री टू। एलसीएम लोगे तो अंडर रूट टू, यहां पे अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू। ठीक है, सो आगे क्या करना है, अंडर रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ये तो याद होगी, और अंडर रूट टू की 1.414, अपॉन में 1.414। आप इसको क्या करना, सॉल्व करना, जब सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 0.225। ठीक है, तो आपका रेशियो आ गया आर बाय आर, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 0.225 कैपिटल आर। तो ये था हमारा रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल कोन। तो हमारे पास दो रिलेशन आए, वो मैं एक साथ लिख रही हूं अभी, हमारा रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या आया था, आर इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल आर, और टेट्राहेड्रल के लिए कितना आया है, आर इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल आर। आपको ये चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, और इनके डेरिवेशन भी दोनों के काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस रेशियो। ठीक है, रेडियस रेशियो में क्या है कि कहते हैं किसी भी चीज की स्टेबिलिटी कंपाउंड की कब होगी, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन किसको सराउंड करे, कैटायन को, और वाइस वर्सा। मीन्स हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटायन इज सराउंडेड बाय एनायन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा कैटायन के चारों तरफ एनायन होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, जितने नंबर ऑफ एटम सराउंड करेंगे, टच करेंगे, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये सबको पता है। ठीक है, अब रेडियस रेशियो क्या है कि एक्चुअली जो रेशियो है रेडियस का कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, आर क्या है रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो रूल। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वन मार्क में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस रेशियो, तो ये किस किस का रेशियो है, ऊपर कैटायन नीचे एनायन। ठीक है, अब एक चीज और समझना भी, हमने पॉइंट पढ़े, एक तो लैटिस पॉइंट होते हैं और एक वॉइड है, खाली जगह। ठीक है, अब बताओ कैटायन या एनायन में से कौन सी चीज वॉइड में आना पसंद करेगी, खाली जगह में आना पसंद करेगी, जो चीज छोटी होगी क्योंकि जगह तो कम बचती है। तो याद रखना हमेशा जो रेयर केस होता है जिसमें एनायन वॉइड में आता है, बट जनरली जो आपका वैकेंट स्पेस बच गया, भाई देखो जैसे अब ये है, मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज करा, ये आपका क्यूब था, पीछे चार और हैं हर एक के पीछे, ठीक है आठ हो गए, हर एक लैटिस पॉइंट पे एक है, तो जो खाली जगह बची एक, इसमें कौन आना पसंद करेगा, कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला, और ये जो बाकी जो कॉर्नर्स पे थे यहाँ पे कौन आना पसंद करेगा, एनायन, क्योंकि ये बड़े साइज का है, बड़े साइज के लिए बड़ी जगह चाहिए, तो ये जो खाली जगह बची है इतनी ज्यादा बचती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखना। अब हम रेडियस रेशियो रूल डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखो, रेडियस रेशियो रूल क्या बोलता है कि जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेडियस रेशियो भी इंक्रीज करेगा, और इसका वाइस वर्सा, मींस अगर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज किया तो रेडियस रेशियो भी डिक्रीज, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज तो रेडियस रेशियो इंक्रीज। रेडियस रेशियो आपका क्या था, आर पॉजिटिव टू द आर नेगेटिव। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है ये रेशियो इंक्रीज कर रहा है। ये कब इंक्रीज होगा, जब ये डिक्रीज हो, सॉरी
ये जो आपका आर नेगेटिव वाला है ये क्या हो, ये डिक्रीज हो और ये इंक्रीज हो, तभी ओवरऑल आपको क्या नजर आएगा, इंक्रीज। तो देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिया भाई, ये लैटिस पॉइंट है, ये एनायन मान लो, और बीच में जो खाली जगह बची ये वॉइड है, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज कैटायन आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ। ऐसे ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये 5 किसका हुआ, कैटायन है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव आपको बड़ा दिख रहा है, एनायन थोड़े छोटे होंगे। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे जाओगे तो बीच वाला जो वॉइड है, जो पॉजिटिव वाली चीज है, वो किससे सराउंडेड होगी, नेगेटिव से, एनायन से। तो यहाँ पे रेशियो देखोगे तो इसका साइज छोटा है और आर का साइज, आर नेगेटिव का साइज बड़ा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया। जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की बात करूंगी तो देखो जब बीच का साइज इंक्रीज होगा तभी तो चारों तरफ ज्यादा चीजें आएंगी, तो यहाँ पे देखो कितने आए नेगेटिव चारों तरफ, 8, लेकिन इसका साइज क्या हो गया, बड़ा। जब पॉजिटिव का बड़ा और इसका घटेगा तो रेडियस रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो यही हो रहा है, आपका जो आर आर है रेडियस रेशियो, आपका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 3, 4, 6, 8, तो आपका जो रेडियस रेशियो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेडियस रेशियो रेंज लिखवाऊंगी, वो आपको याद रखनी है। स्टूडेंट्स मैंने रेंज लिखी है, अगर आपका रेडियस रेशियो मतलब ये जो आर पॉजिटिव टू द आर नेगेटिव लेस देन 0.155 आता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2, और ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। अगर इस रेंज में आता है कि भाई 0.155 से तो बड़ा बट इससे छोटा या इसके बराबर, तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर्स ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। अगर इस रेंज में आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड टेट्राहेड्रल, ठीक है, और 0.44 से बड़ा बट 0.732 के बराबर या इससे छोटा आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पे ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, और सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सेम है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अलग। देखो ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, जो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर का मतलब भाई प्लेनर स्ट्रक्चर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4। और जो सीसीपी है, थर्ड वन इज, जो मैं सीसीपी इधर लिख देती हूँ, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो आपको ये रेंज याद रखनी है, इस रेंज में रेशियो सेम आता है, मीन्स रेंज यही रहेगी, बट कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इस रेंज में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी हो सकता है। 6 होगा तो स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल के लिए ये रहेगा बट स्क्वायर प्लेनर होगा तो ये, ठीक है, और 6 होगा तो ये, और 12 आया इस रेंज में तो ये, और लास्ट है आपका ये रेंज, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर मतलब भाई अपना रूम अज्यूम करो, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, सारे कॉर्नर्स वालों को बीच में लाओगे तो जो बीच में जो खाली जगह बचेगी वो कितने से सराउंडेड होगी, 8 से सराउंडेड होगी। तो ये था आपका रेडियस रेशियो। स्टूडेंट्स अब आपको याद रखना है, ये चीज आप याद रख सकते हो कि लैटिस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एससीसी 6 होता है, बीसीसी के लिए 8 होता है, एफसीसी के लिए 12 होता है, ठीक है। कैसे, जैसे बीसीसी है, ठीक है, बीसीसी क्या है, जैसे बॉडी सेंटर मैंने बताया, हर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट हो तो सेंटर में वॉइड बनेगा, जब चारों तरफ से टच करेंगे तो 8 बनेगा। ऐसे आपका एफसीसी या फेस सेंटर है, जब आप हर एक की ज्योमेट्री देखने जाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 मिलेगा और एसएससी के लिए 6 मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है, जो देखो मैंने जो रेडियस रेशियो रेंज बताई वो विद इन 0 और 1 के बीच में रेंज बताइए, व्हाई, भाई रीजन क्या है, जो रेडियस रेशियो है आर पॉजिटिव टू द आर नेगेटिव, ये क्या है, 0 और 1 के बीच में ही है, मीन्स लेस देन 1 है, बाय, क्यों, क्योंकि देखो साइज ऑफ कैटायन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, एनायन से छोटा रहेगा, तो रेशियो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1। तो आंसर क्या लिखोगे, कि जो साइज ऑफ कैटायन
is always less than anion. भाई anion gain करके बना है, cation loss करके बना है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स रेडियस रेशियो पे हम न्यूमेरिकल कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में आपको रेडियस रेशियो दे देंगे, कैटायन एनायन क्या से पूछेंगे, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये सब, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.